चैत्र नवरात्र के अष्टम दिवस माता रानी के दरबार में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। हवन पूजन के साथ हुई माता रानी की आरती। फफुंदरैया में चैत्र नवरात्रि के अष्टम दिवस नगर व क्षेत्र के देवी मंदिरों पर देवी के दर्शन पूजन अर्चन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ें लगी रही। मंगलवार को चैत्र नवरात्र के अष्टम दिवस पर नगर के पशु अस्पताल के पास लगे देवी दरबार में सुबह से भक्तों की पूजा अर्चना तथा दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। वहीं महेश शुक्ला के नेतृत्व में पंडित ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन कराया। इसके बाद माता रानी की आरती उतारकर भक्तजनों को प्रसाद वितरण किया। नवरात्रि में देवी मंदिरों के साथ ही तमाम श्रद्धालुओं द्वारा अपने घरों पर कलश स्थापना कर 9 दिनों का व्रत का संकल्प लेकर माता की पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम श्रद्धालुओं ने घरों पर जवारे भी बोए हैं। मंदिरों के साथ घरों पर गूंज रही देवी गीतों की स्वर लहरियों से समूचा नगर व क्षेत्र भक्ति में बना नजर आ रहा है। जगह जगह माता के जगराते के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं 9वीं बुधवार को माता रानी के दरबार में विशाल भंडारे का आयोजन होगा। इस मौके पर महेश शुक्ला, प्रमोद नारायण उर्फ बड़े तिवारी, माघवेंद्र मोहन शुक्ला, सानू शुक्ला, छोनू शुक्ला, ओम बाबू तिवारी, लालजी तिवारी आदि बहुत सी संख्या में माता रानी के भक्तगण उपस्थित रहे। उप संपादक विमल पांडे की रिपोर्ट।